नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। चरखारी, जिला पंचायत की 14 सीटों में से रिवई सर्वाधिक महत्व की सीटों में से एक मानी जाती है, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट से सदस्य पद के लिए सपा ने कमलेश श्रीवास को मैदान में उतारा है। भाजपा भी यहां से अपने कद्दावर नेता को मैदान में उतारने की तैयारी में है। चरखारी में सपा की बैठक में कमलेश के नाम पर मोहर लगने के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा के पूर्व प्रवक्ता एनजी रमेश चंद्रा ने यह जानकारी दी। श्री चंद्रा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि वर्तमान सरकार के कारनामों से प्रदेश के किसान मजदूर परेशान हैं, बेरोजगारी बढ़ी है और लोग सपा की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा नियाज अहमद खान, मोदहा नपा अध्यक्ष रामकिशोर श्रीवास, रामराजा तिवारी, करण सिंह राजपूत, नगर अध्यक्ष मनोज कुशवाहा, अमित यादव, हाजी ताजुद्दीन इरफान अहमद खान, सुशील कुमार, राका मंसूरी भी मौजूद रहे। 2005 में मैं हिंदुस्तान को लॉन्च कराया, इसके बाद अमर उजाला रहा, जानते हैं कि 2013 में मैं अपना पहला पैदावार करके पार्टी का आदेश किया मुझे रिवाई सीट से चुनाव लड़ने पंचायत महोबा जनपद की समस्त सीटों में जहां पर पार्टी कार्यालय में जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के पास एक आवेदन आया है जिस सीट से वहां पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, अधिकृत किया है। जहाँ एक से अधिक आवेदन आए हैं वहाँ पर आपसी तालमेल बनाने का प्रयास किया जाए। यदि तालमेल बनता है तो एक सीट पर एक प्रत्याशी लड़े, यदि नहीं बनता है तो समाजवादी पार्टी के जितने आवेदन होंगे चाहे तो सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा हाईकमान दे दिया। रिवाई सीट सुरक्षित है, रिवाई सीट से हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय प्रांत सिंह यादव जी के आपके वाले एक आवेदन आया, वो कमलेश श्रीवास जी का। कल उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष अमर सिंह पाल जी को फोन करके सूचित यहाँ से एक आवेदन और ये पार्टी के प्रत्याशी अधिकृत किए जाते हैं। रिवाई सीट से हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कमलेश श्रीवास जी, उसी रणनीति विचार विमर्श करने के लिए हम लोगों ने संगठन मीटिंग बुलाई, कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए जाएंगे किस तरह से चुनाव लड़ना है, आचार संहिता का उल्लंघन होना, गांव गांव में मजबूती से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़े और जिस तरह से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल, किसान नौजवान परेशान, किसानों की आवाज़ दबाई जा रही है, बेरोजगारों को आंदोलन। 2017 से जब से सरकार बनी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार भर्तियां करती है, जहां पिछली सपा सरकार में जो आवेदन हुए थे वो एग्जाम और रिजल्ट तो आए, इन्होंने अपनी तरफ से जो भी आज तक भर्तियाँ निकाली हैं 2017 के बाद आज तक न तो कोई एग्जाम हुआ, और यदि हुआ भी है तो वो सुचारू रूप से रिजल्ट उसका नहीं दे पाए। 2018 में BDO का एग्जाम हुआ था, 2021 में आप लोगों को पत्रकार बंधुओं को पता ही होगा कि कैंसिल हुआ है 3 साल बाद, तो बेरोजगारी चरम सीमा पे है, नौजवान परेशान। इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और हमें पूरा विश्वास कि भारी बहुमत से सभी जिला पंचायत की 12 सीटों पर समाजवादी पार्टी विजय हो। आप लोग मीडिया के साथ 14 सीटें 14 सीटें
चार सीटें सुरक्षित वर्ग के लिए हैं, 3 ओबीसी के लिए हैं, 7 सीटें सामान्य वर्ग के लिए। सीटों पर कैसी घोषित कर दिए गए? नहीं, जिन जिन सीटों पर एक आवेदन आए वहाँ पर प्रत्याशी घोषित है, जहाँ एक से अधिक आवेदन आए हैं वो प्रत्याशी अभी 2-3 दिन बाद घोषित किए जाएंगे। जहाँ सहमत बनेगी और जहाँ सहमत नहीं बनेगी वहाँ जितने हमारे प्रत्याशी सब लोग चुनाव लड़ेंगे, जितने आवेदन किसी एक को नहीं किया जाए। हाँ, किसी एक को नहीं। चरखारी से खबर समय जगत के लिए ब्रजेश द्विवेदी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.